jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। सोनिया गांधी ने कहा है कि अब वे रिटायर हो रही हैं। उनके इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वे राजनीति से संन्यास लेने का मन बना रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने इन अटकलों को खारिज किया है। वे शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र में पहुंची थीं। यहां कैंपस में मीडिया ने उनसे सवाल किया कि राहुल गांधी के कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद पार्टी में उनका क्या रोल होगा। कांग्रेस ने इन कयासों को खारिज किया है। पार्टी के स्पोक्सपर्सन रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी प्रेसिडेंट पोस्ट से रिटायर हो रही हैं, पॉलिटिक्स से नहीं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि वे कयासों पर न चलें। बता दें कि सोनिया की सेहत काफी दिनों से ठीक नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश, इसके बाद हुए हिमाचल और गुजरात चुनाव के प्रचार में भाग नहीं लिया। पिछले साल अगस्त में बनारस में एक रैली के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तब भी उन्हें डिहाइड्रेशन की शिकायत बताई गई थी। कुछ दिन पहले वो इलाज के लिए अमेरिका भी गई थीं। इससे पहले भी उन्हें बुखार की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। 27 अक्टूबर को शिमला में अचानक तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाकर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। 7 मई को सोनिया को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई थी। तब भी उन्हें गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फरवरी में सोनिया को सांस लेने में परेशानी हुई थी। वह कुछ दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहीं। तब तबीयत खराब होने के लिए मौसम में बदलाव को वजह बताया गया। अगस्त 2016 में बनारस में रैली के दौरान सोनिया की तबीयत खराब हुई थी। तब उन्हें डिहाइड्रेशन की शिकायत बताई गई। इसके बाद वह इलाज के लिए अमेरिका भी गई थी। 29 मई 2016 को भी वायरल इन्फेक्शन बुखार के चलते सोनिया गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। 18 दिसंबर 2014 को सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन रणदीप सुरजेवाला ने 20 नवंबर को कहा था, सोनिया जी हमारी नेता और मार्गदर्शक हैं। उनका कुशल नेतृत्व और दिशा निर्देश हमेशा उपलब्ध रहेंगे। नेहरू गांधी परिवार से अब तक 6 मेंबर पार्टी प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं। इनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल हैं। सोनिया ने सबसे ज्यादा 19 साल तक इस पद की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें 1998 में कांग्रेस प्रेसिडेंट चुना गया था।